हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर जो न्यू वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट को NPSL रावतभाटा राजस्थान साइड पर वैकेंसी का इंतज़ार था, उनका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आई है NPSL रावतभाटा साइड पर। आज के इस वीडियो में उसकी संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करूँगा। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रावतभाटा राजस्थान साइट, डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ कैटेगरी सेकंड स्टेप एनी ट्रेनी STTN ऑपरेटर एंड कैटेगरी सेकंड स्टेप एनी ट्रेनी STTN मेंटेनर। यहाँ पर ऑपरेटर और मेंटेनर दोनों की वैकेंसी जारी की गई हैं। तो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर RR साइट HRM 04/2024। आपके इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 22 अगस्त 2024 से। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपके अप्लाई करने की लास्ट डेट है 11 सितंबर 2024। एप्लीकेशन फीस भी रखी गई है, तो उसका पेमेंट भी आप इसी डेट के बीच में कर पाएंगे। तो यहाँ पर NPSL द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसके बारे में दिए गए हैं। हम यहाँ पर देखते हैं वैकेंसी किस प्रकार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले कैटेगरी सेकंड STTN प्लांट ऑपरेटर, इसके अंदर 152 पोस्ट हैं, जिसके अंदर SC 26, ST 20, OBC 30, EWS 15, PWD 7 और जनरल यानी कि UR 61। और आपके बैकलॉग में एक वैकेंसी है PWD की, तो टोटल वैकेंसी हैं आपके 153। इसी प्रकार STTN मेंटेनर, इसके अंदर टोटल पोस्ट हैं 115, जिसमें कैटेगरी वाइज भी दिया गया है, इसको आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर टोटल पोस्ट कितनी है आपके 279। और यहाँ पर जो मेंटेनर की जो वैकेंसी है उसको यहाँ पर ट्रेड वाइज भी डिवाइड किया गया है, तो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे कौन सी ट्रेड में कुल कितनी वैकेंसी है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन 28, फिटर 54, इलेक्ट्रॉनिक्स 14, इंस्ट्रूमेशन 26, मैकेनिस्ट और टर्नर 2, और वेल्डर के अंदर 2 पोस्ट हैं। तो इस प्रकार आपके 126 पोस्ट होती हैं। यहाँ पर जो PWD कैंडिडेट के लिए पोस्ट हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है, इसको आप चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और अदर क्राइटेरिया क्या हैं वो यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैटेगरी सेकंड स्टेपनी ट्रेनी STTN ऑपरेटर, इसके अंदर कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके 12th के अंदर साइंस हिस्ट्री में और सब्जेक्ट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और जिनके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। इसके अंदर 49 पॉइंट अगर आपकी परसेंटेज है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आपके कंप्लीट 50% होने चाहिए और आपके 10th और 12th के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। इसी प्रकार मेंटेनर के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंटेनर के लिए आपके 10th के अंदर मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और साइंस और मैथ्स के अंदर भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपके पास में 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यदि किसी कैंडिडेट के पास 2 ईयर से कम अवधि का ITI सर्टिफिकेट है तो उनके पास कम से कम भी 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, और आपके 10th में इंग्लिश सब्जेक्ट होनी चाहिए। और यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है, आप इसको चेक कर सकते हैं। हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड, इसके अंदर हाइट और वेट, जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले जो इसमें अप्लाई करेंगे उनको अपनी हाइट और वेट चेक करके ही अप्लाई करना है, क्योंकि आपको हाइट और वेट की वजह से बाद में बाहर निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर।
और मिनिमम वेट कितना होना चाहिए 45.5 kg। और यहाँ पर यह भी कहा गया है यदि आप चिकित्सीय रूप से स्वस्थ पाए जाते हैं तो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड में छूट मिल सकती है। तो सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आपको अपनी हाइट और वेट को ध्यान में रखते हुए अप्लाई करना है। ऐसा ना हो कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद भी आपको आपकी हाइट की वजह से बाहर निकाल दिया जाए। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके अंदर आपके 2 ईयर ट्रेनिंग होती है। तो 2 ईयर ट्रेनिंग के अंदर आपको स्टाइपेंड कितना मिलता है मेंटेनर और ऑपरेटर दोनों पोस्ट के लिए? तो आपको फर्स्ट ईयर में जो स्टाइपेंड मिलेगा वो मिलेगा 20,000 रुपये पर मंथ और सेकेंड ईयर में मिलेगा 22,000 रुपये पर मंथ और आपको एक बार बुक अलाउंस मिलेगा 3,000 रुपये। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको लेवल 3 पर नियुक्ति मिलेगी जिसका बेसिक पे रहेगा 21,700 यानी कि 21,700 रुपये। इसके अलावा भी आपको बेनिफिट मिलेंगे और आपकी पोस्ट रहेगी टेक्नीशियन बी। और टेक्नीशियन बी की अप्रोक्स सैलरी कितनी होती है बेसिक, आपके पर मंथ कितना पैसा मिल जाएगा आपको? तो यहाँ पर दिया गया है टेक्नीशियन बी लेवल 3 बेसिक पे 21,700 और आपको डीए मिलेगा 10,850 रुपये। और आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अप्रोक्स कितना मिल जाएगा पर मंथ 32,550 रुपये आपको ये पेमेंट मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको जो फैसिलिटी मिलती है उसके बारे में दिया गया है। यहाँ पर आपको परिवहन भत्ता, ट्रेवल अलाउंस, जितनी भी जानकारी या फिर आपको बेनिफिट मिलते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे एज लिमिट की, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो STTN कैटेगरी सेकेंड स्टेपनी ट्रेनी, इसके लिए एज लिमिट है 18 से 24 वर्ष। और इसमें जो कैटेगरी के अंदर जो छूट मिलती है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन से कैटेगरी में आपको एज में कितनी छूट मिलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी पोस्टिंग कहाँ रहेगी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो रावतबाड़ा राजस्थान साइट के लिए निकाला गया है, जबकि आपको इसके अलावा अन्य किसी साइट या फिर हेडक्वार्टर पर भेजा जा सकता है। तो आपकी ज्वाइनिंग कहाँ पर होगी, तो रावतबाड़ा राजस्थान साइट। उसके अलावा भी आपका कॉरपोरेशन के इंटरेस्ट के हिसाब से आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और आपके यहाँ पर जो ट्रेनिंग होगी उसका पीरियड क्या रहेगा, पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, तो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग रहेगा आपके 2 ईयर। इसके अलावा आपको जो बॉन्ड बनना रहेगा उस बॉन्ड के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। आपको आफ्टर ट्रेनिंग 5 ईयर सर्विस बॉन्ड साइन करना होगा, उसका जो पेमेंट रहेगा वो रहेगा 5,07,000 रुपये। ये सैलरी आपको ट्रेनिंग के टाइम पर जो मिलती है वही आपसे बॉन्ड के रूप में लिया जाता है। आपके यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर भी दिया गया है, सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। अब हम देखने वाले हैं कि आपके यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रखी गई है। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी सेकेंड STTN, यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपीज़। ये 100 रुपीज़ कौन से कैंडिडेट के लिए हैं, तो ये 100 रुपीज़ ओनली मेल कैंडिडेट के लिए हैं जो जनरल EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा SC ST PWD एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट, इन सभी को फीस में छूट प्रदान की गई है, आप इसको चेक कर सकते हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है, फीस पेमेंट कैसे होगा, जब भी आपके पोर्टल स्टार्ट होगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इससे पहले भी मैंने आपको जो NPSL नरोरा साइड में जो करंट वैकेंसी चल रही है उसमें भी मैंने आपको संपूर्ण प्रोसेस समझाया हुआ है। और जब भी इसके एप्लीकेशन फॉरम स्टार्ट होंगे मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस समझा दूंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है आगे आने वाली वीडियो के अंदर। और जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस हैं और सिलेबस हैं वो भी मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो वैकेंसी संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आपके साथ में शेयर की है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट जिन्होंने नरोरा NPSL साइट पर अप्लाई किया है या फिर रावतबाड़ा राजस्थान साइट पर अप्लाई करेंगे,
वो प्रिपरेशन के लिए और इसी के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में आपकी कुछ भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।